आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सुबह 10 बजे से जब धुंध थी तब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं कैप्टन अजय यादव जी को बधाई देती हूँ, चिरंजीव को बधाई देती हूँ कि इतनी भारी मात्रा के अंदर आज जो आपने रैली करी है, निश्चित तौर पर ये परिवर्तन रैली जो यहाँ से आपने शुरुआत करी है हरियाणा के अंदर, इसके अंदर परिवर्तन की लहर शुरू होगी और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत के यहाँ से निकले। यह हीरवाल की धरती है और इस धरती को मैं नमन करती हूँ। यहाँ के जो सपूत हैं, बहुत ही फौज के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया और इस धरती के बारे में वीरों की गाथाएं जो है इस धरती के बारे में लिखी गई, तो इसलिए आज आपके बीच में मेरा आने का यहाँ सौभाग्य हुआ है। मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती कि पिछले 5 साल के अंदर आपने देख लिया कि कितना बुरा हाल हरियाणा का और पूरे हिंदुस्तान का हुआ। मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे मेरे भाई मेवात से आए और मैं जानती हूँ इस बात को कि बीजेपी ने जो 154 वायदे करे थे, एक भी वायदा पूरा नहीं करा, बल्कि एक ही काम इन्होंने करा। वो काम क्या था? हिंदू और मुसलमान को बढ़ा दो, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है वहाँ जात पात का जहर घोल दो। ये सब माहिर हैं जात पात का एक इंजेक्शन देने में। हमेशा जिन लोगों ने कभी भी काम ना करना हो, याद रखना वो मजहब को लेकर या जात पात को लेकर समाज को बांटने की बात करते हैं। और जो ऐसी बात जब आती है, हर एक मन से मैं ये बात कहती हूँ, जो नेता जात पात की बात करता है उससे घटिया नेता कोई नहीं होता। सच्चाई की बात है ये, क्योंकि नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, आपके बच्चों को पड़ेगा, आपके विकास को पड़ेगा। इसलिए ये जो भाईचारा खराब करने की नीति जो बीजेपी ने अपनाई है, इस नीति को जो है केवल आप खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, आप तैयार हैं क्या ये खत्म करने के लिए या नहीं? तैयार हैं तो हाथ खड़े करके बताओ मुझे कि इनका समय पूरा हो गया है और आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर इनका बोर या बिस्तर बांध कर आप इनको बाहर करोगे। सच्चाई ये कि 5 साल पहले जब ये सत्ता में आए तो बहुत बड़े बड़े जुमले दिए, सबने सोचा पता नहीं क्या हो जाएगा। हर जगह हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा था, नौजवान बच्चे उछल रहे थे कि हमारे को रोजगार मिलेगा। बीजेपी ने वायदा करा बेरोजगारी भत्ता देंगे हम उन बच्चों को जो 10वीं पास हैं और बीए पास हैं, 6,000 और 9,000 रुपया। आज मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे बताइए आपके इलाके के अंदर ये बेरोजगारी भत्ता आया क्या? नहीं आया तो हाथ खड़े करके बोलो, प्रेस वालों को देखना चाहिए कि ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। मोदी जी ने वायदा करा था दिल्ली के अंदर झंडा जब फहरा रहे थे लाल किले से कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल होगा। 5 साल में कितनी नौकरियां होगी भाइयों? 10 करोड़ नौकरियां। बताओ मेरे सामने जो इतने लोग बैठे हैं, तुम्हारे घरों के अंदर भी बाल बच्चे हैं, कितने लोगों को नौकरियां मिली? नहीं मिली तो हाथ खड़े करके बताओ कि कोई नौकरियां नहीं आई। इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। किसान जो है हमारा, हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। आज हमारे किसान की क्या हालत हो गई है सब जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो ये मोदी जी ने शुरू करी है, इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है भाइयों, मैं बताना चाहती हूँ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये घोटाला तुम्हारी जेब काट काट के होता है, सारों की जेब। केसीसी कार्ड जो है कटता है या नहीं कटता बताओ मुझे? कटता है ना, कोई लोन नहीं मिलता, हर तरीके से जेब काटते हैं,
महंगाई इतनी हो गई, यूरिया इतना महंगा कर दिया, खाद इतनी महंगी कर दी, और जो कट्टा है खाद का उसको भी 5 किलो कम कर दिया ना, तो हमारा किसान कहाँ जाए। डीजल पेट्रोल जो है इतना महंगा कर दिया कि जमींदारी काम करना जो है, जो हमारे कृषि का काम है वो मुश्किल हो गया। आज ये जो नौजवान बच्चे जो बैठे हैं, माताओं बहनों के अपने जाते हैं घर में, जब कहीं फटपटिया के ऊपर जाना होता है और भाई जब पेट्रोल या तेल डलवाते हैं तो 100-100 गालियां दे के निकलते हैं। निकलते हो या नहीं निकलते बताओ बच्चों? सारे के सारे गालियां देते हैं कि ये देखो क्या हाल हमारा कर दिया, कर्जे में किसान को डुबो दिया, किसान का सत्यानाश कर दिया, नौजवान का सत्यानाश कर दिया। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं,